झूठ बोल रहा है ये भैरूतिया। हम हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। ये तो कोई भैरूतिया हम शकल है जो हमारे हम शकल होने का फायदा उठाकर हमारे तख्त पर आकर बैठ गया है। मजाक था? जी हाँ रानी साहिबा, मजाक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों पहले हम शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। अब शिकार को ढूंढते ढूंढते हम थोड़ा सा आगे निकल गए और हमारा लश्कर पीछे छूट गया। फिर हम लकड़हारे हरिओम यहाँ पासी के गांव में रहते हैं। हरिओम, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको बादशाह के तौर तरीके सीखने होंगे। हम अपनों के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहते हैं और बस यही छोटा सा मजाक हमने आप लोगों के सामने आज पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम, आप तो अच्छे खासे कलाकार निकले। जाइए अपने घर जाइए, आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। हरिओम हम नहीं है बीरबल, हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं। हरिओम हरिओम। ये 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 क्या? हमने बड़ी मुश्किल से लकड़हारे हरिओम के माता पिता को खोज निकाला है। उन्हें हमने महल में बुलवाया है। अरे साहब, कोई किसी को पहचाने ना पहचाने, लेकिन एक माँ बाप अपने बेटे को जरूर पहचाने। हरिओम? हाँ, हमारा बेटा हरिओम। पहले ये समस्या थी कि इन दोनों में से हमारे झापना कौन है। अब एक नई समस्या, हरिओम कौन है? अगर ये आपका बेटा हरिओम है तो इन दोनों में से जो बादशाह अकबर नकली है, उन्होंने ये क्यों कहा कि वो लकड़हारा हरिओम है? कुछ समझ में आया बलदेव जी? जहांपना की हमशक्ल ने लकड़हारे हरिओम का नाम इस्तेमाल किया है जहांपना की पहचान लेने के लिए। इसका मतलब उस भैरूपिये का नाम हरिओम है ही नहीं, हमें धोखा दिया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश है बलदेव जी, और अब सवाल यह है कि क्या हम ये पता लगा पाएंगे कि असली जहांपना कौन है या नहीं। राजा, बस आप यही कीजिए, यहाँ खड़े खड़े कुछ से सवाल खड़े कीजिए और उसमें उलझे रहिए। होना जाना तो आपसे कुछ है नहीं, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा बलदेव जी। हाँ, हमें ही करना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह हमारे शयन कक्ष में आने की? दफा हो जाओ यहां से, वरना वरना क्या क्या कर लोगे? एक बार साबित हो गया ना कि हम ही बादशाह अकबर हैं, फिर खौलते तेल में तुम्हारे पकोड़े तल के पूरे दरबार को ना खिलाए तो हमारा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर नहीं, वही तो नहीं है। अरे रानी साहब, आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए हमारे पास बैठिए, बहुत जगह है यहाँ और यहाँ। रानी साहिबा, इस पाखंडी की बातों में मत आइए, आप यहाँ आइए, हमारे पास आइए, अपने शौहर के पास। दखलंदाजी के लिए मुआफी चाहते हैं जहांपना। मुआफ किया? शुक्रिया शुक्रिया। वो सब बात में राजा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लिया? उठा लिया रानी साहिबा? हम तो खड़े हैं यहाँ। नहीं नहीं रानी साहिबा, हम ये कह रहे हैं कि वो नए देश के राजा अल्ताफ अली ने हमारी रियासत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मोर्चा उठा लिया है। क्या? अचानक? हाँ। उसके सिपाही हमारे महल में घुस गए हैं, किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। क्या? हर तरफ उन्हीं का कब्जा है रानी साहिबा। क्या कह रहे हैं आप? हम सही कह रहे हैं जहांपना, हम सही कह रहे हैं जहांपना। हेलो, चलो आराम से आराम, पीछे भी है। हाँ, पीछे चलिए। हाँ हाँ, चलो।
आइए आइए महारानी साहिब आइए। राजा बेटा कुछ करो। आइए बादशाह अकबर आइए। खुशामदीद खुशामदीद। हमें तो अब पता चला हम तो यहाँ बस एक अकबर को हलाक करने आए थे, लेकिन यहाँ तो दो दो अकबर हैं। बहुत बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन अकबर मरेगा, 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 आज मरेगा, मरेगा, अभी इसी वक्त मरेगा, क्योंकि जलाल मरेगा तभी इस मुगलिया सल्तनत पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन कैसे पता चले कि इन दोनों में से असली अकबर कौन है जिसकी मौत आज हमारे हाथों होगी? क्या हुआ? हाँ, सांप सूंघ गया? कहां गया वो मुगलिया खून जिसकी बहादुरी और जाबाजी का कसीदे पड़े जाते हैं? और आज इस नकली चेहरे के पीछे अपनी कायरता छुपाकर क्यों बैठे हो? हाँ, अगर तुम्हारी रगों में उन जाबा पुरखों का खून है तो साबित करके बताओ। बस एक और लफ्ज नहीं अल्ताफ अली, हमें मारना है तो मार लो, लेकिन हमारे पुरखों के खून को ललकारने की गलती दोबारा मत करना। निकालो अपनी शमशीर, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर तुम्हारे सामने खड़ा है, निकालो। देखा राजा त्रिवल, हमारी होशियारी का छोटा सा नमूना, एक छोटी सी चाल और असली नकली का पर्दाफाश, यही है असली बादशाह अकबर। मौत के सामने कैसे सीना ताने खड़े हैं, असली खालिस मुगलिया खून। कहीं तुम तो असली अकबर बादशाह नहीं हो? मुगल बादशाह का खून इतना सस्ता नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा उसे इतनी आसानी से बहा दे। खालिस मुगलिया खून। अपने दुश्मन के हाथों मौत हमें कबूल नहीं। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को सिर्फ एक इंसान मार सकता है और वो है खुद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। आप ऐसी अजीब और गरीब हरकत करेंगे बीरबल, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें भी चुप तो चुप जापना, हम नहीं। बलदेव जी, हम पहले से ही जानते थे कि ये जो भी भैरूपिया है ये बहुत माहिर खिलाड़ी है, इसे फंसाना इतना आसान नहीं। इसे फंसाने के लिए इससे भी बड़ा खेल खेलना होगा, और ये खेल कैसे खेला जाए हम आपको बताते हैं। यहीं बहुत है ना।
यहाँ ऐसे अचानक? जापनब, हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। कैसी जरूरी बात? क्या हुआ? अरे बलदेव आप आहिस्ता जापना, आहिस्ता। ध्यान से हमारी बात सुनिए। हमें पूरा यकीन है कि आप ही असली बादशाह अकबर हैं। शुक्रिया बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर आज आपने हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। वाह। अब जापना, अभी तो सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन कल पूरा दरबार ये बात जान जाएगा कि आप ही हमारे असली जापना हैं। दरअसल रानी साहबा को एक ऐसी बात याद आ गई जिससे सारा मसला चुटकियों में हल हो जाएगा। चुटकियों में हल हो जाएगा? कैसे? याद है आपको जापना, कुछ साल पहले भरतपुर वाले राजा की जेवरातों की नीलामी में आपने रानी साहबा के लिए कुछ जेवरात खरीदे थे? हाँ बिल्कुल याद है। उन जेवरातों में हीरो से जड़ा एक बेशकीमती कंगन है। उस कंगन पर बड़े प्यार से आपने रानी साहबा के लिए कुछ गुदवाया था यादगार के तौर पे। अब भरे दरबार में आप सबको बता दीजिए कि उस कंगन पर आपने क्या गुदवाया था। बस सबको पता चल जाएगा कि आप ही हमारे असली जापना है। हम याद करने की कोशिश करेंगे कि रानी साहबा के कंगन पर हमने क्या गुदवाया था। वैसे एक तरकीब है हमारे पास जिससे पता चल जाएगा कि आपने कंगन में क्या गुदवाया था। कैसी तरकीब? तो सुनिए तरकीब। आप चुपचाप दबे पांव रानी साहबा जी के निजी कक्ष में जाइए, वहां से वो कंगन लीजिए, देखिए कि उस पर क्या गुदा है, और सबके सामने वही दरबार में दोहराई। नहीं बीरबल, ये छल है, धोखा है, फरेब है। अरे हम मुगल बादशाह हैं, हम छल से कुछ नहीं जीतना चाहते, चाहे वो जंग हो, मोहब्बत हो, या हमारी पहचान ही क्यों ना हो। आपके लिए आखिरी मौका होगा ये साबित करने के लिए कि आप ही असली बादशाह अकबर हैं, वरना वो बहरुपिया बाजी मार जाएगा। सोच लीजिए जापना। सोच लिया बलदेव। इतनी तकलीफ उठाने की भी क्या जरूरत है? हम बता देते हैं कंगन पर क्या लिखा है। क्या 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 हो रहा है ये सब? तुम्हारा खेल खत्म हुआ बहरुपिये। इतनी तकलीफ उठाने की भी क्या जरूरत है? हम बता देते हैं कंगन पर क्या लिखा है। क्या 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 हो रहा है ये सब? रानी साहिबा को सप्रेम भेंट, जलाल, यही लिखा है ना कंगन पर? तुम्हारा खेल खत्म हुआ बहरुपिये। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए। बीरबल रुक जाइए। बीरबल क्या कर रहे हैं आप? बीरबल देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम गलतफहमी हुई नहीं है, हम गलतफहमी का इलाज कर रहे हैं। इस कंगन पर क्या लिखा था ये इन्हें याद रहा, क्योंकि कोई भी पति इतने प्रेम से अपनी पत्नी के लिए लिखी हुई बात भूल नहीं सकता। लेकिन तुम्हें याद नहीं था क्योंकि तुम नकली हो, बहरुपिया हो। लेकिन अच्छा खेल खेला तुमने जापन अकबर बनने की, लेकिन यहां आकर चूक गए। तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं था कि ऐसा कोई कंगन भी होगा जिस पर झापा ने कुछ लिखा होगा, और हम पूछेंगे कि क्या लिखा है। फंस गए तुम, ले जाइए ना। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए बीरबल। देखिए आप गलती कर रहे हैं बीरबल।
हम ही हैं बादशाह अकबर, हम हैं असली मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, असली बादशाह अकबर। सुना नहीं आपने? ले जाइए इस बहरूपी को। रानी साहिबा, रानी साहिबा, कुछ समझाइए इन्हें। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं, साबित हो चुका है कि आप ही हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बना, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, पर हमने आपसे कहा था ना कि हम पर यकीन रखें, हम ये जान कर रहेंगे कि हमारे जा बना कौन, यही है हमारे बादशाह। महल में आपका स्वागत। अब्बा हुजूर मिल गए। ये क्या बदतमीजी है? तो कहाँ रह गया था? पर मैंने मना किया था ना कि अभी कुछ दिन हम नहीं मिलेंगे। अच्छा बोल, किस लिए बुलाया? अरे हुजूर, आप घबराने की जरूरत क्या है, सब यहाँ पर मान चुके हैं कि मैं हूँ असली बादशाह अकबर, और असली बादशाह अकबर को कैद खाने में डाल दिया है। एक बार को कंगन की बात सुनकर बहुत घबराहट लग रहा था कि पकड़े जाएंगे। ऐसे कैसे पकड़े जाते हैं? पिछले साल भर से इस तमाशे की तैयारी चल रही थी, छोटी से छोटी जानकारी निकाल कर ही तो तुम्हें बना पाए हैं बादशाह अकबर। बादशाह अकबर ने वो कंगन खरीदा था, उस पर क्या लिखा था ये हमें पता था। आपको पता था हुजूर, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन असली बादशाह अकबर को ये बात क्यों नहीं पता थी कि कंगन पर क्या लिखा था? क्योंकि सारे पति होते ही ऐसे हैं। अरे कौन है? ये क्या बदतमीजी है? एक पति को ये याद नहीं रहता है कि उसकी पत्नी ने कल लिबास क्या पहना है, तो हम ये याद कैसे रख सकते थे कि रानी साहिबा के कंगन पे इतने सालों पहले हमने क्या गुदवाया था? वो तो हम घबरा गए थे कि अपनी असलियत साबित करने का ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए इसी गफलत में हम रानी साहिबा के कक्ष में उस कंगन की इबारत देखने पहुंच गए, और उसी वक्त हमें पता चल गया था कि ये हमारे असली जापना है और ये बहरूपिया। क्योंकि जैसे जापना ने कहा, स्वाभाविक रूप से किसी भी पति को अपने पति की इतनी पुरानी बात याद नहीं रहती। जापना को भी याद नहीं थी, लेकिन इन्हें सब पता था, क्योंकि ये पूरी तैयारी करके आए थे, हर बात हर चीज सीख कर आए थे। हम चाहते तो इन्हें उसी वक्त गिरफ्तार कर लेते, लेकिन हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। फिर हमने एक योजना बनाई, हमने जान बूझ कर जापना को बहरूपिया कहा और गिरफ्तार करवाई, क्योंकि हम जानते थे कि जापना की गिरफ्तारी के बाद ये बहरूपिया बेफिक्र हो जाएगा, और उसी बेफिक्री में कोई गलत कदम उठाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसे। बहरूपिया जी, आपके साथ ये जो इंसान खड़े हैं, ये अपना मुंह क्यों छुपा रहे? इनसे कहिए कि हम सबको अपना चेहरा दिखाएं। मामा, चाचा, राम रतन भाई साहब, आप? जी हाँ रानी साहिबा, आपके दूर के भाई साहब राम रतन जी, ये भी इस साजिश में शामिल थे। इन्होंने ही इस बहरूपिये को एक साल तक तालीम दी, जापना के बारे में छोटी से छोटी बात बताई, सिखाई, और इसे जापना बना दिया। अरे पर क्यों किया ऐसा? राम रतन भाई साहब, सच सच बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? ये जाल पड़ोसी देश के राजा बगावत खान का फैलाया हुआ था कि नकली बादशाह को असली बादशाह की जगह तख्त पर बिठा दे और वो मुगल तख्त को अपने कब्जे में ले ले। धन का लालच देकर उसने हमें भी अपने साथ मिला लिया,
पिछले साल भर से मुश्ताक को बादशाह बनाने की तैयारी चल रही थी और हम इस मौके की तलाश में थे कि कब हमें मौका मिले ताकि मुश्ताक को हम असली बादशाह की जगह तख्त पर बिठा दें ताकि बगावत खान मुगल तख्त को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि उस दिन जब मुश्ताक पानी भर रहा था कुएं से तो असली बादशाह ने मुश्ताक को देख लिया। बदकिस्मती नहीं, इसे तो आप खुशकिस्मती कही। आप तो वैसे भी इस मुश्ताक को हमारे तख्त पर बैठाना चाह रहे थे, आपका काम हमने आसान कर दिया क्योंकि मुश्ताक से मिलते ही हमारे दिमाग में एक शरारत सूझी और ये शरारत आप ही के काम आई। हमने खुद मुश्ताक को अपने तख्त पर बैठने का सुझाव दिया। हम सोचते रहे कि बादशाह अकबर बनने की तालीम हमने इसे दी है, लेकिन वो तालीम तो एक साल से आप इसे देते ही आ रहे हैं। बहरहाल अब ये साबित हो चुका है, सचमुच साबित हो चुका है रानी साहिबा की यही है हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। रानी साहिबा आप इस तरह घबराइए मत, यकीन मानिए हम ही हैं मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। अरे उस रात आपके कक्ष में आपके साथ हम ही थे, हम ही आपके बालों में मेहंदी लगा रहे थे। क्या भी सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? ले जाओ इन दोनों को और कैद खाने में डाल दो, और हाँ इस मुश्ताक को ले जाने से पहले इसकी मूंछ मुंडवा दी जाए और साथ में इसे बोड़ा कर दिया जाए। अब्बा हुजूर बोड़ा मतलब इसे गंजा कर दिया जाए, वरना वहां पर लोगों को लगेगा ये बादशाह अकबर ही है और कहीं हमारे सिपाही यही समझकर इसे फिर से ना छोड़ दे। ले जाओ इसे। अरे अरे सुनिए तो माफ कर दीजिए। और बीरबल पिछले जन्म में ना जाने हमने कौन से मोती दान किए होंगे जिसकी वजह से आज इस जन्म में आप जैसा दोस्त हमें मिला जो हमारी हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। दोस्त नहीं आप भाई हैं हमारे। अरे अरे भाई से याद आया, मिर्जा भाईजान आने वाले हैं, उनकी खबर तो आई थी। बलदेव कुछ पता चला मिर्जा भाईजान कहां तक पहुंचे, कब आ रहे हैं? जहां पना आपके नाम का उनका पैगाम आ चुका है। आपके भाई साहब बादशाह मिर्जा साहब मुगल महल के लिए निकल चुके हैं और किसी वक्त भी पहुंचते होंगे। अरे तो फिर इंतजार किस बात का है, सब मिलकर हमारे मिर्जा भाईजान और उनके परिवार के आने की तैयारियां कीजिए। और राजा दरबार सबसे पहले तो हमें वो पैगाम ला कर दीजिए, हम देखना चाहते हैं कि भाईजान ने हमारे लिए लिखा क्या है। कुछ ना कुछ तो लिखा होगा जी अपना। ये तो हमें भी पता है, आप पैगाम लेकर आइए। आइए आइए तैयारियां शुरू कीजिए। जहां पना के भाईजान मिर्जा,